हम आपके हैं हिम्मत। बहुत सुंदर झुमके हैं। ये तुम्हारे शगुन के हैं बेटा। भगवान करे इस घर में हमेशा बरकत होती रहे। भाई भाई खुश रहो। थैंक यू मम्मी जी। जीता रहो बेटा। थैंक यू पापा जी। थैंक यू कैसा बेटा, इन पर तुम्हारा ही अधिकार है। पता है ये झुमके मुझे मेरी सास ने दिए थे। अब तुम्हारी सास कर रही है इनको तुमको पास, आगे तुम अपनी बहू को कर देना इन्हें बाईपास। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी घर में कार आने से अब बाहर सी आ गई है। चलती का नाम है गाड़ी तो आ गई। अब दामाद जी को आवाज दो कि हम उनके लिए तोहफा लाए हैं। दामू को सब सच बता दूंगा, कार वापस करके हम लोग चौहान के पैसे लौटा देंगे। और अरे गुल्लू बेटा आओ आओ, देखो फूफा जी आए हैं, आओ। गुल्लू बेटा हम तुम्हें कार की मुबारकबाद तो दे चुके हैं, लेकिन ये मुबारकबाद जो है ये तुम्हारे ससुराल की तरफ। ये लो बेटा। ये क्या है, मैं समझा नहीं। सोने की चेन, कार का शगुन। क्यों फूफा जी? ओहो गुल्लू बेटा देखो हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो शगुन लेने और देने का बहाना ढूंढते रहते हैं, क्यों पंडित जी? हाँ फूफा जी, ये शगुन एक तरह का आशीर्वाद है, एक तरह की मुहर। इस खुशी के मौके पर आज हम सब साथ हैं, और अगर कल हम पर कोई दुख आया तो तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। ले लो बेटा ले लो। ये लो। थैंक यू। देखो गुल्लू ये मम्मी जी ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं, सुंदर है ना, और ये सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। ओहो भाई झुमके तो एकदम ठुमकेदार हैं। सब इतने खुश हैं, मैं ऐसे में कैसे कहूं दामू से कि ये खुशी झूठी है। गुलशन गुरुवार प्लीज कम सून आउटसाइड, जल्दी बाहर आइए। आपकी जीजा जी सबको कार में बैठा करके सोसाइटी में घुमा रहे हैं। क्या कम फास्ट, जल्दी आइए। नाम गुलशन बाबू, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं चौहान साहब? अम्मा की कृपा से बिल्कुल फिट हैं। अच्छा अच्छा चौहान साहब क्लाइंट है, क्लाइंट। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? भाभी जी ये भाभी जी नहीं है, ये बुआ जी हैं, फूफिया सास। सास? अच्छा आपकी बच्ची है, कैसी हो बेटा? बीवी है मेरी दामिनी। प्रणाम भाभी जी प्रणाम, और यहाँ उपस्थित सभी देवियों को प्रणाम 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 प्रणाम। भाई साहब आप चाय कॉफी ठंडा कुछ लेंगे? मैं अभी। माँ आप लोग अंदर जाओ ना, हम लोग कुछ काम की बात करके आते। जाओ दामू जाओ, बच्चे जाओ जाओ, मिठू जाओ। मिठू हाँ। ये तो बाबूजी है ना, प्रणाम बाबूजी। और जी जी ये हमारे पापा जी। प्रणाम।
वहाँ आप गए थे ना? मलेशिया। हाँ हाँ मलेशिया। अब कहाँ बताएं गुलशन बाबू, वो कहा है कि हमारी जर्नी जो है वो थोड़ा सा लंबी हो गई। आप बताया था ना आपको कि हमारे छोटे चाचा मलेशिया में बड़े मंत्री हैं, तो एक समारोह में शामिल होने के लिए जाना था। तो जब हम मलेशिया पहुंचे तो पता चला कि वो घुमक्कड़ प्रसाद वहां से मॉरीशस चले गए और 4 दिन में लौटेंगे। तो अब हमारे पास तो 4 ही दिन का टाइम था, तो इसलिए हम भी मॉरीशस चले गए। अब वहां पहुंचे तो पता चला कि वो बुढ़ऊ वहां से चेस्लोवाकिया, हाँ वहां चले गए। अम्मा कसम हमारी खोपड़िया सनक गई और हम वापस चले आए। बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए। अच्छा तो किया गुलशन बाबू, काई नहीं पूछेंगे कि इतना अच्छा काहे किया। चौहान साहब आप तो हमेशा ही अच्छा करते हैं, पर आप जोर दे रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। तो हम भी बता ही देते हैं कहा है गुलशन बाबू कि हम तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, लेकिन जो हमारा वो सीए है ना अकाउंटेंट, वो अच्छा नहीं करता। अब पिछले 1 हफ्ते से वो इनकम टैक्स की फाइल बनाने के लिए हमारे पीछे पड़ा है। कह रहा है कि वो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका ब्योरा उसको जल्दी से देना है। तो वो जो 2.5 लाख रुपया हम आपको दिए थे तो वो रसीद हमको दे दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमको इनकम टैक्स फाइल का रिटर्न भरना है, क्योंकि आखिर हम भी इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे वाह, इनकम टैक्स भरने के बारे में आपके बड़े अच्छे विचार हैं। वैसे इनकम टैक्स भरने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जब भी इनकम टैक्स भरना हो भर देना चाहिए। वैसे हमारी राय में सोचा। अच्छा तो आप हमको राय देंगे? दुश्मनों को हाय देना और दोस्तों को राय देना दोनों ही अच्छी बात है, बोल सांचे दरबार की जय। वैसे आप हैं कौन, दोस्त या दुश्मन? नाम क्या है आपका? नाम है हमारा मोहर सिंह चौहान। काट लेते हैं हम कान, और दोस्तों के लिए हम हवा का झोंका है, और दुश्मनों के लिए तूफान। बोल सांचे दरबार की जय। आप तो वही मोहर सिंह चौहान हैं, पहलवान मोहर सिंह, अरे जिनके कुश्ती लड़ते समय कान काटने के किस्से बहुत मशहूर हैं। इंडियन माइक टायसन। अब अपनी तारीफ में हम क्या कहें, बस इतना समझ लीजिए कि हम अपने दुश्मनों को कान पकड़ के माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ते। तो यहाँ क्या कुश्ती लड़ने आए हो पहलवान जी? अब भाई माहौल तो कुश्ती लड़ने का ही है, लेकिन कहा है कि अब कुछ काम की बात कर ली जाए। तो गुलशन भैया, हम आपको बहुत सारा फोन मारे लेकिन आप हमारा फोन उठाए नहीं। मेरा फोन साइलेंट पे था। गनीमत है गुलशन भैया कि तुम्हारा फोन साइलेंट पे था, कहे कि जब हम कान काटते हैं तो सब कुछ साइलेंट हो जाता है। खैर ये बताइए कि वो रसीदवा कब दे रहे हैं? रसीद तो ऑफिस में है। हाँ तो चलिए ऑफिस चलते। अभी नहीं, अभी तो ऑफिस बंद है ना, तो मंडे को जैसे ही ऑफिस खुलेगा मैं खुद रसीद लेके आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है, यही अच्छा रहेगा, मंडे को। नमस्कार। अरे भाई नई कार किसकी है? मेरे बेटे गुलशन की है, आज ही ली है। ओह मुबारक हो गुलशन बाबू। थैंक यू भाई। अब तो रसीद के साथ साथ लाइएगा पकवान, नहीं तो हाँ।
बहुत ही साफ दिल का इंसान है, लेकिन धोखा देने वालों के कान भी काट लेता है। चोगुल्लू, रुक जाओ मिस्टर गुलशन ग्रोवर। उधर नहीं, इधर। वो आदमी कौन था? कौन आदमी? वही जो अभी इधर आया था। वो चौहान, चौहान था। वो यहाँ क्यों आया था? क्लाइंट है मेरा दामू। तो तुम्हारे क्लाइंट की हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटी सी बच्ची बोलने की? मैं क्या तुम्हें छोटी सी बच्ची दिखती हूँ? नहीं नहीं, तुम तो बड़ी हो, काफी बड़ी हो। तो उसने मुझे छोटी सी बच्ची क्यों कहा? मेरी हाइट इतनी कम है। तुम्हारी हाइट कहाँ कम है दामू, तुम्हारी हाइट बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट अभी तो बढ़ रही है, तुम एक बढ़ता बच्चा हो। देखो ना, मेरी हाइट की हो गई। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट हमारी जोड़ी तो अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जैसी है, ऐसा सब कहते हैं। सच? मुझ। थैंक यू। ओके। सुनो, उस आदमी का यहाँ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। तो उस आदमी से कहना कि यहाँ दोबारा ना आए, से जो भी काम हो तुमसे ऑफिस में जाके मिले। कैसे बोल दूँ दामू, उसके पैसों की तो हम कार ले आए, जब तक उसके पैसे नहीं भर देता वो आता रहेगा। ओके ओके, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ओके। ये सही मौका है दामू को सब कुछ सच बताने का। दामू! मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? एक बहुत बड़ी गलती हो गई दामू। क्या? वो देखो, हुआ गुल्लू, कोई परेशानी है? हाँ, नहीं, मेरा मतलब नहीं, वो एक्चुअली मुझे पता है। तुम्हें पता है? मेरी एक फरमाइश की वजह से तुम कितने परेशानियों में पड़े हो ना, पर अब तो कार आ गई है, सब खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। पर तुम उदास क्यों हो? मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है ना, एनिवर्सरी पे तुम्हें क्या क्या कहा, वो भी सबके सामने। शायद ऐसे मैं तुमसे माफी ना मांग पाऊं, इसलिए मैंने कुछ लिखा है। मेरे प्यारे प्यारे पति, दुनिया के सबसे अच्छे पति हो तुम, कहूँ तो गलत नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत परेशान किया है तुम्हें, कार के चक्कर में बेकार कर दिया है, कहूँ तो गलत नहीं होगा। डैडी का घर छोड़कर आई तो तुमने अपने पति को देखा, और डैडी को भी, जो मेरी हर ज़रूरत पूरी करते थे और मेरी भूल को माफ़ भी कर देते थे। शायद इसलिए तुमसे जिद कर बैठी बिना सोचे समझे कि तुम पर क्या बीतेगी। पर क्या करूं, क्या करूं, हर छोटी बड़ी बात के लिए तुम्हारी तरफ देखना मेरी आदत सी बन गई है। अच्छा भी लगता है कि तुम पर निर्भर हूं, बहुत सुरक्षित महसूस करती हूं। तुम ही मेरे सुपरमैन हो, तुम ही मेरे ही मैन, और तुम ही मेरे सलमान, और तुम ही मेरे भगवान हो। और भगवान तो सबकी गलती माफ कर देते, तो मुझे माफ नहीं करोगे? प्लीज, मैं वादा करती हूँ आगे भी तुम्हें ऐसे ही परेशान करती रहूंगी,
तुम्हें नहीं करूंगी तो और किसे करूंगी, और आगे भी तुम मुझे ऐसे ही माफ करते रहना। तुमने आज तक मुझे हर सुख दिया है, माफी नहीं दोगे प्लीज। बात है दामाद जी, ये रेल की बोगी की तरह हमारे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? पापा ही, मैं नाराज हूँ। अरे यार, कभी ये नाराज होने का हक किसी और को भी दे दिया करे दामाद जी। पापा जी, आप मेरी बात सुन नहीं रहे। पूछिए तो, मैं क्यों नाराज हूँ? पूछा, क्यों नाराज है? पापा ही, आप इतनी देर से टेंशन में टहल रहे हो, मुझे बताया तक नहीं, क्यों टहल रहे हो? मैं नाराज हूँ दामाद जी, हम कुछ सोच रहे हैं। क्या पापा ही? कल वो जो आदमी आया था ना चौहान, वो कुछ ठीक नहीं था। हाय हाय, मुझे भी ऐसा लगा पंडित जी, पर आपको क्यों लगा? उसके माथे की रेखाएं बता रही थी कि उसकी कुंडली में शनि है, और वो शनि उसके लिए बहुत फनी है। पर पंडित जी, शनि फनी कैसे हो सकता है? शनि उसके लिए फनी है क्योंकि उसका कहीं फंसा हुआ मनी है। आपने उसके माथे की रेखा देखकर बता दिया? दामाद जी, हमने तो रेखा की रेखा देखकर भी बता दिया था। क्या रेखा? रावजान की रेखा भी आपने देखी? अरे रेखा, हमारी साली जान, उसकी रेखा देखकर भी बता दिया था। उसका शनि भी कुछ ऐसा ही था। पर पंडित जी, उस आदमी की शनि से हमें क्या लेना देना? पर उस आदमी से लेन देन ना ही रखे तो अच्छा है। उस चौहान से जो भी लेन देन रखेगा, उस पर चौहान के शनि का प्रकोप चढ़ेगा। हमें तो अपने बेटे गुलशन की चिंता है। भगवान गुलशन को चौहान के शनि और मनी दोनों से बचाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.